मदरसा शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ देने की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिससे मदरसा शिक्षकों में खुशी है, किंतु नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काफी निराश हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार इन लोगों के लिए केवल भरोसा ही दे रही है, जो पर्याप्त नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को भरोसा देने के अलावे इस संदर्भ में ठोस काम भी करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की भी मांग की। मदरसा नियोजित शिक्षक हम लोग हैं, तो हमारी लंबी मांग थी, क्योंकि सरकार ने स्कूल में जब नियोजन लागू किया तो उसी को आधार बना के 15/2/2011 को एक संकल्प निकाला, लेटर संकल्प संख्या 162, तो उसी के आधार पर मदरसा में नियोजन लागू किया गया। लेकिन 1/7/2015 से जब विद्यालय नियोजित शिक्षक को वेतनमान या उसको जो भी कहिए वेतन वृद्धि वेतनमान 5200 जब दिया गया तो हमको वहाँ से वंचित किया गया। हमारी काफ़ी लंबी मांग थी, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बैनर तले बिहार के तमाम नियोजित असातिज़ा को लेकर के 2 बार पटने में धरना प्रदर्शन किया, और आज पूर्ण उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री यहाँ मदरसा नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का ऐलान करेंगे। हालांकि मैं इस बात का उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक दबे जुबान में ये ऐलान किया कि इनकी वेतन वृद्धि की जाएगी। मैं पूर्ण रूप से उनको मुबारकबाद उस समय दूंगा जब 10 दिन के अंदर इसका कैबिनेट करके नोटिफिकेशन हमको दे दें। वैसे तो हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो मदरसा के लिए काम किया है ये ऐतिहासिक है जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस सुशासन बाबू से, क्योंकि नाजायज ये करते नहीं है, किसी का हक मारते नहीं है, पूरी उम्मीद है कि हूबहू मुझे जब जब उनको जैसा मिलेगा तब तब हमको वैसा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अविलंब इसको कैबिनेट करके नोटिफिकेशन दे दें ताकि अल्पसंख्यक समाज उनका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहे। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के भी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, उर्दू अखबार के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, जब से 31/1/2019 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया आते ही पूरे बिहार के मदरसे को गलत मैसेज इन्होंने दिया। GPF, CPF, APF क्या 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 शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। ये इससे सरकार की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इससे सरकार की छवि हो धूमिल हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको फौरी तौर पे इनको बर्खास्त किया जाए। अभी इन्होंने बगैर बोर्ड के अनुमोदन के 17 लाख में एक सफारी कार इन्होंने खरीदा, बगैर अनुमोदन के 10-10, 20-20 लाख रुपए ये बोर्ड का जो है निकाले हैं, जिससे आर्थिक क्षति पहुंच रही है। पूरे बिहार के मदरसे को इन्होंने जो है काता प्रबंध समिति को हमने भंग कर दिया, और 3 महीना का इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है कि ट्रस्ट के माध्यम से आइए, मदरसा का रजिस्ट्रेशन कराइए, मदरसा को रजिस्टर्ड कीजिए। ये उनके तुगलकी फरमान का ये उदाहरण है। सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे भ्रष्ट अध्यक्ष को इनके पद से मुक्त किया जाए, और कोई बढ़िया अध्यक्ष सरकार की जो मनसा के अल्पसंख्यकों के लिए हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने किया जिसके उदाहरण आज कुछ मैंने देखा मैदान में, पॉलिटेक्निक मैदान में, तो सरकार अविलंब इस पर विचार करे, विचार करते हुए जो है इसको बर्खास्त करे।